मॉर्निंग, आइए देखते हैं फिजिक्स में लाइट चैप्टर से रिलेटेड एक सिंपल सा सम बेसिक। यहाँ से एयर से लिक्विड में रे ऑफ लाइट जा रहा है, तो ये लाइन ऑफ सेपरेशन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है और यहाँ पे 40 डिग्री बना रहा है। तो एयर से लिक्विड में जा रहा है, तो पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो सबसे पहले होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। नंबर वन में यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा निकलता है नॉर्मल के साथ जो होता है, नॉर्मल के साथ और रे ऑफ लाइट के साथ जो एंगल बनता है यहाँ पे, इसके बीच में जो एंगल होता है वही वाला दिया है ये, लेकिन निकालेंगे ये, तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये वाला होगा 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60 डिग्री। उसके बाद नंबर टू में पूछा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ री, ये रिफ्रैक्शन हो रहा क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री होता है, तो ये 45 है, तो 90 से 45 गया तो ये वाला निकल जाएगा, ये वाला एंगल 45 होगा। तो यहाँ पे ये पता चल गया 45 होगा। जब भी ये देगा तो हमेशा ये वाली लाइन और ये रे ऑफ लाइट जो जा रहा है और नॉर्मल, दोनों के बीच का एंगल ये वाला निकालना है, ये वाला नहीं निकालना है। और यहाँ भी है ये वाला, इससे नहीं निकालना है, नॉर्मल से और रे ऑफ लाइट जो एंगल बना रहा है वो हमेशा निकालना है। अगर एग्ज़ाम में ये दिया है तो ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो दो निकल गया। और तीसरा पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पे फॉर्मूला है साइन आई बाई साइन आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे दे दिया है 60 डिग्री और यहाँ पे 45 होगा, साइन 45 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और ये हो गया 1/√2। तो ये हो गया √3/2 इंटू √2/1। तो √3 इंटू √2, अच्छा 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, कट गया। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 डिवाइड करके फिर इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा। तो यहाँ पे आंसर लगभग आएगा 1.22। इसी तरीके से ये छोटे छोटे सम को बेसिक क्लियर रहेगा तो बड़ा सम बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर कल एक नए सम के साथ।